ये ब्लॉग में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो गाइस अभी हम जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। मेरे घर काफी टाइम से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना। बोलेगा तो कसम नहीं दी। क्या बाबा की कसम नहीं दी? नहीं दिए? आयो बुलाइयो उसको। नहीं दिए तो राधे राधे कहते हुए लोग सभी। आज लगभग काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ना घर में थोड़ा बड़ा पेंट वगैरह हो रहा था ना, तो अब थोड़ा पेंट हो गया ना, तो अब थोड़ा अच्छा लगा। ये ब्लॉग ना कुछ स्पेशल होने वाला है, और स्पेशल क्यों होने वाला है ये तो मैं खुद अभी शायद बताऊँ या नहीं बताऊँ। चलो वो तो सोच रहा हूँ मैं कि बताने के लिए, चलो बता ही देता हूँ। क्या है कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम, घर से हमें थोड़ा जल्दी निकलने, क्योंकि रात का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 2 बजे, तो उस वजह से हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। बट अभी क्या होता है कि अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो अभी पहले नहा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो वैसे अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो हमारी 2 बजे की ट्रेन है। और दिखाता हूँ मैं कि रात का व्यू हमारे घर के पास के अंदर ओह, तो जा रहे हैं वहाँ स्टेशन। और तो गाइस अभी हम जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, और इसको देख के ना मेरे को ना वृंदावन की याद आ जाती है। जब वृंदावन हम जब शूट करते हैं ना, तो उस चीज की याद आ जाती है। बट पहुंचते पहुंचते हमको लगभग आधा घंटा हो गया, तो आधे घंटे का अब टिकट वगैरह लेंगे और सेट करेंगे, अंदर टिकट लेके कि 2 बजे की ट्रेन है, 12 समथिंग बज रहे हैं, और टिकट लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई सर हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही है ना, उस वजह से अब नींद भी आ रही है, तो सुबह मिलते हैं जयपुर। तो भाई सर अभी जयपुर हम उतरे हैं, तो उतरने के बाद अब देखते हैं बस स्टैंड जाएंगे, तो बस स्टैंड पे वहाँ देखते ही कुछ खाएंगे पियेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और वहाँ से निकलते हैं खाटू श्याम के लिए। बट हमको बस स्टैंड पर एक फ्रेंड आने वाला है, तो वहाँ दिखाएंगे शायद, अगर वो दे बोले तो दिखाएंगे, बट मना किया था फिर नहीं दिखाएंगे। तो हेलो भाई, मैं आ गया हूँ अभी खाटू श्याम, जो बाबा की नगरी में। मैंने बोला था ना कि अभी हम जयपुर पहुंचे, तो अब मैं खाटू श्याम आ गया हूँ। और खाटू श्याम आने के बाद ना, ये बाबा का एंट्री गेट है पीछे की साइड, चलते हैं अब अंदर की साइड और अंदर आपको दर्शन कराते हैं कैसा है। और जो मेरा फ्रेंड था ना, वो मैंने उसको बस स्टॉप से पिकअप कर लिया था, बट वो सामने आने के लिए अलाउ नहीं है, तो चलते पहले अंदर और रास्ते मिलते हैं। तो अब जा रहे हैं हम बाबा के दर्शन करने के लिए, वो सामने एंट्री हो रही है और अभी हम लाइन में ही हैं, क्योंकि ना यहाँ पे अब थोड़ा सुविधा भी बहुत अच्छी होगी पहले से। तो गाइस जैसे पहले होता था ना, जैसे 11 के टाइम पे ना, तो दर्शन करने के लिए ना बाबा के लगभग 5 से 6 घंटे लगते थे, बट अब तो पहले से बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि ना अब लगभग आधे से लगभग आधा घंटा या 40 मिनट करीब लगते हैं, तो पहले से बहुत अच्छी सुविधा की हुई है, क्योंकि ना ये इतनी सारी लाइन बनी हुई ना, तो इस वजह से ना अब आसान हो गया। बट अभी 11 के टाइम पर ही हम आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और देखते हैं कि मेरा तो फर्स्ट बार है कि दर्शन करना हो, मैं कभी आया नहीं हूँ, अब देखते हैं कि फर्स्ट बार कहते हैं फर्स्ट बार दर्शन कैसे होते हैं। और ये श्याम बाबा, और श्याम बाबा के यहाँ से लाइव दर्शन हो, तो पहले अंदर की साइड चलेंगे ना, और अभी देखोगे कितनी भीड़ है, वाली लाइन जा रही है, तो उसमें ना थोड़ा पास से दर्शन नहीं होते, बट हम जिस लाइन में लग रहे हैं ना, तो इस लाइन में थोड़ा बहुत ना क्लोज दर्शन होते हैं, तो देखते हैं, क्योंकि हमने पहली बार ही दर्शन करते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, एक्साइटेड हूँ।